जैसे मैंने अभी अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष है, सारी पार्टियां है, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते हैं बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए, हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो, प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से जाने, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहां रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो, अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर से, हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है, और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट, और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिकली भी कहा था, कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा, तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा, जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है, जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है। संजय राउत साहब ने कल कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और शरण भी नहीं जाऊंगा, उनकी गिरफ्तारी हुई उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, क्योंकि आज आप परिवार से भी मिलकर आए? नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक, सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं, जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिव सैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की, जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा मैंने मराठीतली नहीं, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है।